अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फान चौधरी स्टॉक। मैं हूं इरफान चौधरी। खुद एतमादी सच के साथ आती है। देखिए, जो भी हम काम करें, जब हमें पता है ये काम बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें धोखा नहीं है, इसमें किसी की दिल आजारी नहीं है या इसमें झूठ नहीं है, सबसे बड़ी बात, अगर हम सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दें, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी? बड़ी एक छोटी सी बात कहती है और आप कह रहे हो कि जिंदगी आसान हो जाएगी। सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दे, जिंदगी आसान हो जाएगी। देखिए, आपने झूठ बोलना छोड़ा, उसकी वजह से आपने दिखावा छोड़ दिया। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपने खुद अपनी पर्सनैलिटी जो डेवलप की हुई है, वो सबके सामने जा रही है। आप किसी को बता ही नहीं रहे यार मेरे पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, आप किसी को बता ही नहीं रहे मेरे पास आलीशान घर है, या आप किसी को बता ही नहीं रहे यार मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूँ दिन में। आप 2 वक्त की पढ़ते हो तो आप 2 वक्त की रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपकी जेब में 100 रुपया तो आप 100 रुपया दिखा रहे हो, सिर्फ मेरी जेब में 100 रुपया है। देखिये, आपका एक भाई, आप एक भाई अपना रिप्रेजेंट कर रहे हो कि यार मेरा एक भाई है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है ना। आप जॉब करते हो, 20,000 वाली जॉब करते हो, आप सबको कहते हैं 20,000 वाली ही जॉब है। आपकी जो रिस्पेक्ट बनेगी वो शुरू से बनेगी, जो आप हैं। कोई आपको, आप देखिए, आपने सिर्फ एक झूठ बोला है। देखिए ना, आपने बताया कि आपकी 20,000 वाली पे ही, आपकी 20,000 लोगों को पता है, हर किसी को पता चल गया। आपने कोई परेशानी, कोई टेंशन, किसी चीज की तरफ आप जा ही नहीं रहे, क्योंकि आपने खुद एतमाद से, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आपको पता था मैंने खौफ बहुत बड़ा देखा हुआ है, मैं उसमें एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोगों से किनारा कशी करने की जरूरत है जो बेफजूल मेरा टाइम जाया कर रहे हैं, लेकिन मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं 20,000 इस वक्त जो मैं कमा रहा हूँ, 20,000 मैंने 20,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया यार, मैं 20,000 ही कमा रहा हूँ, या मेरा घर ये है, या मैं इस शॉप पे आता जाता हूँ। आपको किस बात की टेंशन रहेगी, किस बात का खौफ रह गया? अपने रब का खौफ रह जाएगा आपने, सिर्फ कि मैंने हलाल कमाना है, हलाल लेके जाना है। जो सा भी काम करना है, देखना है कि यार ये काम ठीक है, किसी की दिल आजारी तो नहीं हो रही, इसकी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। सिंपल सी बात है, खुद एतमादी कैसे आ रही है? खुद एतमादी एक लफ्ज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक लफ्ज़ है ना, कैसे आ रही है? सिर्फ झूठ छोड़ने की वजह से आप खुद एतमादी आ रही है, आपकी ज़िंदगी आसान हो रही है। आप देखें, आप घर वालों को बता रहे हो कि यार मैं आजकल सही तरीके से नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना। अगर आप स्टूडेंट हो, वो पूछेंगे क्यों, आप रीज़न दे दोगे, झूठ नहीं बोला, रिजल्ट आएगा गंदा या बुरा, घर वालों को पहले आपको पता है। यार बच्चे ने मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर की थी, सिंपल सी बात, ये प्रॉब्लम थी। आप पे ले रहे हो, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे, आपने बीवी को बता दिया कि इस महीने मेरे ये एक्सपेंसेस भी होने हैं, तो आप काइंडली अपने एक्सपेंसेस कम करें, या इस मंथ हमने शॉपिंग नहीं करनी, या इस मंथ कुछ और एक्सपेंसेस कम किए जाएं। सिंपल सी बात है, आपने बताई, झूठ भी नहीं हुआ। अब परेशानी यहाँ पे कहाँ पे रह गई? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया ना, आप जो हैं वो आपने बड़े एक बड़े इत्मीनान के साथ, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई है नहीं। अगर आप झूठ बोलेंगे यार मेरे पास 10 मोबाइल है, एक दिन है, दूसरे दिन नहीं है, दूसरा फिर दोस्त पूछेगा, फिर आप थोड़ी नजरें चुराएंगे, या आपने किसी का उधार देना है, मीन्स कि आपने अगर किसी के पैसे वापस करने हैं, फिर आप छुपे फिरेंगे पैसे लिए क्यों थे, ये मेन वजह है। कोई ना कोई आपने इस तरह की ख्वाहिश अपने अंदर पाली हुई थी, जो आप इतनी आपकी अर्निंग नहीं थी, लेकिन आपने ख्वाहिश पाली हुई थी, तो आपने कर्ज ले लिया, अब कर्ज देने के पैसे नहीं, आप छुपे फिर रहे हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कहाँ गया, आप अच्छी बातें कहाँ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप जो हैं वो रिप्रेजेंट करें, उदत मादी भी आएगी, लोग मोहब्बत भी करेंगे, लोग सच्चा भी कहेंगे। देखिए, ये बहुत कड़वा सच है, लोग आपको, लोग कहते हैं कि यार वो बहुत सच्चा है ये, लेकिन लोग आपसे थोड़ी नफरत भी करते हैं, यार ये गरीब है, या ये अजीब टाइप का बंदा है, लेकिन आप इत्मीनान होते हैं ना, लेकिन वो चाहते भी हैं यार मैं भी यही बन जाऊँ, कि इस बंदे यार टेंशन ही नहीं लेता कोई, यार जो कुछ होता है सच बता देता है ये, ठीक है ना। लेकिन आप कभी परेशान नहीं होंगे, लेकिन वही अगर आप किसी एक ऐसे बंदे के साथ जुड़ जाओ तो आपके साथ रोज नई ख्वाहिशात का इजहार करे, नहीं रोज नहीं कोई ना कोई नई एक बात ले, यार आज ये करने चलते हैं, आज वो करने चलते हैं। अगर आपका दोस्त इस तरह का हो जो आपको समझ रहा है, कह रहा है कि यार इसकी मजबूरियाँ क्या है, ये कर क्या रहा है, तो सी बात है आपको मसला ही नहीं होगा। आप जिंदगी में कभी आप आराम हैप्पीली सोएंगे और हैप्पीली उठेंगे, सिर्फ अगर आप इतनी आपकी हैबिट इतनी बना लें, आप जो कुछ है सच बताने वाला, सिर्फ इतनी हैबिट जो बंदा बना लेता है ना, उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। उसे कभी कोई डिप्रेशन की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे कभी कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो आपको आज मिलेगा आप वैसे हैं, 10 साल बाद मिलेगा आप सच्चे हैं ना, आपने उसके साथ कोई गलत बात नहीं की। जो आपको मसला होगा, यार मेरे साथ मेरा अब्बा है, मेरा अब्बा यार प्लीज़ आज ना इतना निकाल ना करिए, यार आपके दिल में थोड़ा डर ना आ जाए यार कि वो बंदा इस तरह की पे बात ना कर जाए कि आपकी वालदा मौत ना हो, आपकी बीवी, आपके बच्चे जो किया है यार, उसकी वजह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाए।
अगर आपने पहले दिन से अपने आप को इस तरह डिजाइन किया हुआ है, सारे का सारा काम खुद पे करना पड़ता है, दिमाग से सोचना पड़ता है, दिमाग से। इंसानों और जानवरों में यही फर्क है, एक दिमाग का सिर्फ। जानवर सोच नहीं सकते, खाते पीते सोते हर चीज करते हैं, लेकिन इंसान में तो यही मेन डिफरेंस है ना, सोच सकते हैं, अपने लिए अच्छा बुरा चाह सकते हैं। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये चीजें हैं। सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड कर ले थोड़ा सा, ठीक है ना, झुकना भी सीख ले। देखिए जो बंदा झुकता है उसके साथ लोग जुड़े आते हैं, जो अकड़ता है उसके साथ लोग दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। कई जगह पे बर्दाश्त करना पड़ता है और कई जगह पे बर्दाश्त नहीं करना पड़ता है, जहाँ पे आपको टारगेट किया जा रहा है, या जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को टारगेट किया जा रहा है, या जहाँ पे कोई गलत बात की जा रही है, जो आप समझते हो कि यार ये बात नहीं होनी चाहिए, क्यों यहाँ पे हो, सिंपल सी बात है। इस पर वर्क करें, कोशिश करें अपने माइंड सेट, बेहतरीन माइंड सेट बनाएं, और जो भी काम कर रहे हैं उस पर एफर्ट करें, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब आदमी हो जाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला के साथ है, मैं अल्लाह ताला से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।